हेलो सुपर फ्रेंड्स, आज हम लोग हाउस ऑफ एम का 6th इशू कंप्लीट करेंगे। अब तक हम लोग देख चुके हैं लायला मिलर की पावर्स की हेल्प से ज़्यादातर हीरोज को पुरानी जिंदगी के बारे में पता चल चुका है और सभी लोग चार्ल्स जेवियर को ढूंढने मैग्नेटो के पास जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एजेंट रू की आवाज़ आती है, हेली कैरियर, मैं क्विंजेट रेड 5 से स्पेशल एजेंट रू लैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, परमिशन दी जाती है, आपका स्वागत है एजेंट रू। और फिर उस क्विंजेट से सारे हीरोज हेली कैरियर पर उतरते हैं। स्पाइडरमैन कहता है ये कितना अजीब है। तो एमा फ्रॉस्ट कहती है यहाँ के सारे गार्ड्स ना तो हमें सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, मैं अपनी पावर से इन 17 गार्ड्स को कवर कर रही हूँ। तो साइक्लॉप्स कहता है अब आगे का क्या प्लान है एमा। तो एमा कहती है बस मुझे फॉलो करो। उसके बाद वो लोग डेक में जाते हैं जहाँ हेली कैरियर के कैप्टन ग्रे क्रो अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर्स दे रहे थे कि कौन कौन से क्विंजेट अभी लैंड होने वाले हैं और ऊपर की अथॉरिटीज से क्या क्या ऑर्डर्स आए हैं। तभी एमा कैप्टन ग्रे क्रो के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और हेली कैरियर को जेनोशा चलने का ऑर्डर देती है और वो लोग जेनोशा चल देते हैं। इसके बाद हमें जेनोशा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सेरेमनी होने वाली है और सारे मेहमान जेनोशा पहुँच रहे हैं। मैग्नेटो और उसके बच्चे मेहमानों के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और फिर एंट्री होती है विक्टर वॉन डूम की। मैग्नेटो कहता है मुझे काफ़ी खुशी हुई तुम्हारे आने से। डूम कहता है सच में? तो मैग्नेटो कहता है चलो कुछ फ़ोटोज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। तो डूम कहता है हाँ बस इसीलिए तो मैं आया हूँ। और फिर वो लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और यहाँ पर हमें क्विक सिल्वर भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हेली कैरियर में हीरोज़ खाना खा रहे हैं लेकिन किसी को भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो साइक्लॉप्स कहता है मुझे पता है खाना ज़्यादा टेस्टी नहीं है लेकिन खाना तो पड़ेगा, हम सबको काफ़ी ताकत की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो रोग कहती है मुझे भूख नहीं लगी, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। एमा कहती है रोग गुस्सा तो हम सभी को आ रहा है लेकिन अभी से कंट्रोल करो, जल्दी ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक ल्यूक के जेसिका जोन्स को कॉल करता है लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन नहीं उठता है तो वो कॉल कट कर देता है और दुखी हो जाता है। स्पाइडरमैन उसे देखता है और पूछता है क्या हुआ, उसने फ़ोन उठाया? तो ल्यूक कहता है पता नहीं मैंने उसे कॉल की ही क्यों। फिर स्पाइडरमैन मैरी जेन और ल्यूक के जेसिका जोन्स के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाते हैं। तभी साइक्लॉप्स कहता है ठीक है सुनो सब लोग, मैं एक्समैन का लीडर तब से रहा हूँ जब से मैं केवल एक जवान लड़का था और उस टाइम से लेकर अब तक मैं हमेशा से खुद को और दूसरों को यही समझाता रहा कि अपनी पावर्स का उतना ही पार्ट यूज़ करो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन आज मेरे पास कहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आज अगर हम हार गए तो बस सब कुछ ख़त्म, हर वो चीज़ ख़त्म जिस पर हमने विश्वास किया। जितनी भी लड़ाइयाँ जीत कर हमने इस दुनिया को बचाया उन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज बस मैं इतना कहूँगा कि चाहे मोरल्स के लिए, पर्सनल रीजंस के लिए या फिर दूसरों की भलाई के लिए किसी भी कारण से तुम लोगों ने अपनी पूरी पावर्स यूज़ नहीं की तो आज वो दिन है जब इन सारे सिद्धांतों को छोड़कर अपनी पूरी पावर्स यूज़ करनी है तुम सबको, क्योंकि इस बार हम हार नहीं सकते, हमें जीतना ही होगा। तो किसी को कोई दिक्कत? लोगन कहता है तो प्लान क्या है? साइक्लॉप्स कहता है 3 टीमें बनेंगी। तभी स्पाइडरमैन कहता है क्या हम लोग दुनिया को वापस से ही वैसा करने वाले हैं? क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे? नहीं मेरा मतलब इन सब के लिए कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है? तो एमा कहती है ये तो वहाँ पहुँचने पर ही पता चलेगा। मिस मार्वल कहती हैं क्या होगा अगर हम लोग ये नहीं कर पाए, क्या हमें ऐसी ही दुनिया में रहना पड़ेगा जहाँ केवल हमें ही सच पता है? तो एमा फिर से कहती है जब वहाँ पहुँचेंगे तो पता चल ही जाएगा। किटी प्राइड कहती है कहीं ऐसा ना हो हमारे कुछ भी करने से ये दुनिया और भी ख़राब हो जाए। तो क्लोक कहता है लेकिन हमें ट्राई तो करना ही होगा। तो जेसिका ड्रू सबसे अलग एक ओपिनियन देती है, वो कहती है कोई मुझे ये बताएगा इस दुनिया में किसके साथ गलत हो रहा है, मैग्नेटो ने जो हमेशा से चाहा इस दुनिया में उसे वो मिल गया लेकिन इसके साथ हमें भी तो वो मिल गया जो हम हमेशा से चाहते थे, क्या हम यहाँ खुश नहीं हैं? हर कोई तो खुश है इस नई दुनिया में, उन्होंने हमें हर खुशी दी बिना ये सोचे कि हम इसके लायक हैं भी या नहीं, शायद ये सब होना ही था। तो लोगन कहता है जेसिका एक दिन तुम ज़रूर ये सोचकर शर्मिंदा होगी कि तुमने ये बात कही क्यों और वो भी सबके सामने। जेसिका कहती है चुप रहो केवल मेरी बात सुनो, जब भी दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं शायद यही कुदरत की मर्जी हो, तो हो सकता है ये चीज़ भी कुदरत की मर्जी से ही हो रही हो। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि दुनिया कैसी होनी चाहिए? जब भी स्पेस से कोई मीटियोर्स अर्थ पर गिरते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये तो नेचुरल है, तो हो सकता है ऐसे ही ये टाइम ऐसा हो जिसमें म्यूटेंट्स सबसे बड़ी प्रजाति हो। तो लोगन कहता है अब ये दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हें बाद में शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। तो जेसिका कहती है मेरी बातों का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सबको और मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी डर लग रहा है और ये चीज़ नॉर्मल है। तो एमा कहती है हमें कोशिश तो करनी ही होगी, हमें जेवियर को किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। तो स्पाइडरमैन ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है। किटी कहती है मैंने कभी भी इसे इतना परेशान नहीं देखा। तो ल्यूक कहता है उसे टाइम दो वो ठीक हो जाएगा। तो साइक्लॉप्स कहता है हो गया तुम सबका ठीक है, तो मैं कह रहा था कि 3 टीमें बनेंगी,
अब इसके बाद बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमें जेनोशा में सेरेमनी और हीरोज़ के प्लान बनाने के सीन को एक साथ दिखाया जाता है। जेनोशा में अनाउंसमेंट हो रही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउस ऑफ मैग्नस आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और तहे दिल से इस खास शाम के कुछ खास मेहमानों का भी स्वागत करते हैं। हर तरफ तालियां बज रही हैं, रिपोर्टर्स फोटोग्राफर्स हर तरफ खड़े हुए हैं। फिर हमें हीरोज दिखते हैं जो टीम्स डिवाइड कर रहे हैं। स्कॉट कहता है हमें एमा और डॉक्टर स्ट्रेंज सबकी नज़रों से छुपा कर रखेंगे, लेकिन हमें यह मान के चलना चाहिए कि उन्हें पता होगा कि हम आ रहे हैं, और अगर उन्हें पता नहीं भी होगा तब भी उन्हें ये तो पता चल ही जाएगा कि कुछ तो गलत है क्योंकि हम लोग इतने बड़े हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। उसके बाद हमें जेनोशा में दिखता है कि इस इवेंट में वकांडा के किंग टिचाला भी पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ साइक्लॉप्स कह रहा है हमारा पहला गोल जेवियर को ढूंढना है और एमा और लायला तुम उनके पास जाकर उन्हें सब कुछ याद दिलाओगी। क्लोक तुम एमा के साथ जाओ, इन्हें जहां कहीं भी जाना हो तुम टेलीपोर्ट करा देना। एमा तुम्हें किसी और की ज़रूरत तो नहीं है? तो एमा कहती है नहीं, अब तुम लोग अपना देखो। स्कॉट लायला से पूछता है तुम ठीक तो हो? लायला जवाब देती है हाँ बिल्कुल। उधर जेनोशा में किंग ऑफ लेटपेरिया विक्टर वॉन डूम भी पहुंच गया है, क्री एम्पायर के डेलीगेट भी वहां पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ साइक्लॉप्स डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है तुमने वांडा के साथ थोड़ा टाइम बिताया है पास्ट में तो अब वो काम आ सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं एस्ट्रल प्लेन के जरिए मैं उससे उसके लेवल पर कम्युनिकेट कर सकता हूँ लेकिन बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए, और अगर सब ठीक रहा तो मैं सब प्रॉब्लम की जड़ के बारे में पता कर लूंगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर उसका माइंड थोड़ा ठीक हो। उधर जेनोशा में कीनिया की प्रिंसेस ओरोरो और किंग नेमोर ऑफ एटलांटिस भी पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ साइक्लॉप्स कह रहा है तुम सब लोग अपना काम करो, तब तक हम हाउस ऑफ मैग्नस को बिजी रखते हैं। उधर जेनोशा में मैग्नेटो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस पूरे इवेंट और अपने मेहमानों के स्वागत को एक जगह पर बैठकर रॉयल तरीके से देख रहा था, तभी शील्ड का एक सेंटिनल उसकी महल की तरफ गिरने वाला था जो कि बहुत बड़ा था। मैग्नेटो और लॉर्ना उसे अपनी पावर से रोकते हैं और अपने महल पर गिरने से बचाते हैं, लेकिन तभी सारे हीरोज वुल्वरीन, स्पाइडरमैन, मिस मार्वल, शी हल्क, डेयर डेविल, साइक्लॉप्स, हाउस ऑफ मैग्नस पर अटैक कर देते हैं और हर कोई अपनी पावर्स का पूरा यूज करते हुए जेनोशा में तबाही मचाने लगता है। हाउस ऑफ मैग्नस भी उन सब पर जवाबी हमला करता है, बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे हैं, हर तरफ बुलेट्स फायर हो रही हैं। दूसरी तरफ एमा और लायला को क्लोक के गार्डन में टेलीपोर्ट कराता है। एमा कहती है यहाँ कोई नहीं है। लायला कहती है ये कौन सी जगह है और ये शोर कैसा है? लगता है हाउस ऑफ मैग्नस पर उन लोगों ने अटैक कर दिया है। लायला कहती है ये चीखे किसकी है? तो एमा कहती है फोकस करो लायला, हमें अपने काम से मतलब रखना है। और फिर उन्हें चार्ल्स जेवियर की कब्र दिखती है और एमा परेशान हो जाती है, कहती है ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। लायला कहती है इसका क्या मतलब है, ये है क्या, इसका मतलब सब खत्म हो गया? तभी क्लोक वहां से गायब हो जाता है तो लायला कहती है अरे इसके शरीर में हड्डी वड्डी है कि नहीं? लेकिन तभी क्लोक फिर से आ जाता है और कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है। एमा कहती है क्या मतलब? क्लोक कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई कब्र ना कोई बॉडी, इस पत्थर के नीचे केवल धूल है। इसका मतलब प्रोफेसर यहाँ नहीं है और इसका मतलब ये भी है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। Feel your energy when I rise.